भाई गुड मॉर्निंग डे थ्री। आज हम जाने वाले भाई टेकड़ी डैम। और अभी सुबह सुबह आज हम लेट हो गए उठने में क्योंकि अलार्म नहीं लगाया था। वैसे भी आज हल्की हल्की ठंड है तो इसलिए मैंने ये ऐप डाल रखा है। तो अभी चलते हैं। अभी रुके हम खाना खाने के लिए और अंदर चलते हैं। चलिए देखो भाई कितनी सुंदर सी चेयर है यहाँ पे और बड़ा अच्छा सा म्यूजिक भी बज रहा है। तो यहाँ खाना खाते हैं उसके बाद निकलते हैं। और भाई ये आज करने वाले कुछ केरला स्पेशल ट्राई पुट्टू। पुट्टू बहुत ही ज्यादा गर्म है यार। यार पुट्टू तो गोल गोल दिख रहा है। हाँ तो ये गोल ही तो है, ये चुकनी ये तो थोड़ी है। सिलेंडर है। हाँ तो ऐसा ही होता पुट्टू। नहीं वे तो वो बाउल शेप में दिख रहे। नहीं 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 ये सिलेंडर शेप है भाई। बहुत ही ज्यादा गर्म है। अभी इसको थोड़ा ठंडा करते हैं फिर खाते हैं। और मैंने तो वही अपना सेम यहाँ पे कड़ला और पराठा ऑर्डर किया हुआ है। और भाई हम जा रहे हैं टेकड़ी, वहाँ पे जो पेरियार है टाइगर रिजर्व पार्क है तो वहाँ पे बोटिंग होती है। तो उस बोटिंग का आनंद लेने के लिए आज हम थोड़े से लेट हो गए क्योंकि रात को अलार्म नहीं लगाया था। जो हमारा टारगेट था वहाँ पहुँचने का था हमारा 6:30 पे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पे एलिफेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। लेक में पानी पीने आते हैं जब, क्या पता अभी भी हमारा गुड लक हो तो हमें मिल जाए। और भैया जो पुट्टू मैंने खाया है, मैंने इससे पहले भी खाया त्रिशूर में एक दो बार। उसमें क्या होता था, इसके अंदर नारियल भरा होता था कोकोनट, लेकिन इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ चने की सब्जी के साथ। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है, दिखने में कम होता है लेकिन जब आप खाते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये अभी से खाया नहीं जा रहा है। अभी मेरा पेट फूल हो गया है, मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे इसको तोड़ा जाता है ये दिखने में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जब इसमें आप सब्जी मिलाते हो जैसे मैंने चना मंगवाया था कड़ला, तो ये फूल जाता है भाई। बहुत अच्छी तरह से पेट भर गया, अच्छा था एक्सपीरियंस भाई। अभी खाना खाने के बाद चलते हैं कहाँ पे, टेकड़ी। अभी हम पहुँच गए यहाँ पे और ये ऐसा कुछ व्यू देखने को मिलता है यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे। और यहाँ से हमें मिलेगी भाई काउंटर से बस टिकट, और जो ये बस खड़ी इस बस में जाएंगे अराउंड 3 to 4 किलोमीटर, और उसके बाद वहाँ पे बोटिंग टिकट मिलेगी। हम थोड़े से लेट हो गए हैं, जो अभी बोटिंग टाइम है वो 11:15, तो अभी जा रहे हैं टिकट खरीदने। और भाई टिकट बहुत ही कॉस्टली है यहाँ पे, 65 रुपीज ईच है ऊपर जाने के लिए, और वो भी 3 या 4 किलोमीटर का एरिया है। तो अभी चलते हैं भाई बस में, लेट्स गो। बस में बैठ गए हैं, जो आपको टिकट मिली है यहाँ पे 65 रुपीज ईच, तो वही आपकी रिटर्न टिकट होगी, वो आपको संभाल के रखनी है। बस जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से। ये पेरियार टाइगर रिजर्व की कुछ हाईलाइट्स हैं जो दिखाई गई है। और भाई जैसे आप यहाँ पे टिकट काउंटर के पास पहुँचते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको जीप सफारी के लिए कन्वेंस करने के लिए ट्राई करते हैं, और वो स्टार्ट करते हैं 3000-4000 से और वो लास्ट में आते हैं 2000-1800 तक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे जीप सफारी में तो आप आ सकते हैं यहाँ पे 1800 या फिर 2000 में, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो हम इंटरेस्टेड नहीं थे लेकिन फिर भी हमें ऊपर मिला था 1800 का। जैसे आप बस में आके जाओगे भाई यहाँ पे, ये देखो जो बांस के पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े, अराउंड 50 फीट 60 फीट। देखो कैसा मुंह बना के बैठे हुए वहाँ पे, परेशान से हो गए। और ये आता भाई मेन गेट पेरियार टाइगर रिजर्व। बस से उतर चुके हैं, जो बस से डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किया टोटल 4 किलोमीटर। और यहाँ पे कुछ लंगूर बंदर हैं जो बड़े प्यारे लग रहे हैं, अभी दिखाते हैं। क्या हाल है भाई, बोतल संभाल ले। आपको यहाँ पे कैसा फॉर्म मिलता है जिसमें आपको एटलीस्ट 1% की डिटेल देनी होती है। और भाई इन्होंने जैसा हर बार होता है, आप लकी हैं तो आपको वाइल्ड एनिमल देखने को मिल सकता है, नहीं तो नहीं। इन्होंने बताया कल किसी को देखा था, तो हो सकता है आज हम लकी हो। और भाई इधर जो टिकट चार्ज है वो 255 रुपीज पर हेड है, तो आप जब भी आए तो आप यहाँ से टिकट लेना ना भूलें। और भाई ये यहाँ पे चार्ज है जो आप देख सकते हो, बम्बू राफ्टिंग फुल डे 2900 पर पर्सन। और ये भाई रेट है यहाँ पे, बम्बू राफ्टिंग है, बोर्ड राइकिंग है, जंगल स्काउट है, टाइगर ट्रायल है,
ठीक है, वन नाइट टू नाइट नेचर वॉक। और ये यहाँ पे आप पर पर्सन प्राइस देख सकते हो, यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हो। और यहाँ से व्यू देखो गाइज आप लोग, कितना अच्छा है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा द बम्बू करो, इको फ्रेंडली बम्बू कॉटेज। यहाँ पे कॉटेज आपको ये प्राइस दे रखा है आपको 4800 विद पैकेज, जिसमें बोटिंग भी शामिल होगी और सफारी भी शामिल होगी, और विदाउट पैकेज के 1800 पर नाइट है। और ये बम्बू बोटिंग आप देख सकते हो, इसके लिए भाई एक नाइट पहले रिजर्वेशन करना पड़ता है। जो भी इनका प्राइस है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, यहीं पर स्क्रीन पर मैंशन कर देंगे जो फोटो क्लिक किया है, तो आप उसको पेज करके यहाँ के प्राइस चेक कर सकते हैं। और ये ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पे जब आप यहाँ पे आते हो, तो ये देखो ये बोट है भाई, जहाँ से बोटिंग करने के लिए जाना है, पेरियार टाइगर रिजर्व। एक और सेक्शन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एंट्री करते हो तो आपको मिलता डोंट मिस इट। और ये भाई यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो अगर चाहो तो, बुकमार्क्स, कुछ मैगजीन्स रखी हुई यहाँ पे, दूरबीन चाहिए तो 50 रुपीज मिल जाएगी। जो गेट था गेट ओपन हो गया है, जो टिकट होती है उस पर वो पेन से लिख देते हैं आपको कौन सी बोट मिलेगी, और लोअर डेक अपर डेक, और जो हमें बोट मिली है वो मिली है लास्ट वाली, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। वही जैसा ही मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमें पेरियार टाइगर रिजर्व पार्क में, तो यहाँ पे आप बोटिंग का मज़ा लेते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। टिकट है उस पर, ये बोट का नाम देख रहे हो आप, ये जैसे वंजी उत्सना पेरियार, और दो उधर भी एक ये जल यात्रा जल ज्योति, और हमारी है पेरियार। हम मिलते हैं आपसे ऊपर जाने के बाद, लेट्स गो। बोट पे अपना सीट नंबर है 123। वही अभी बोट में बैठ गए, अभी बोट चलेगी थोड़ी देर में। टाइम था 11:15 का, 11:20 हो चुके हैं और हमारी बोट तैयार है जाने के लिए। चल पड़ी भाई हमारी बोट वहाँ से, ये दो बोटें रह गई हैं पीछे। इधर ये लिखा हुआ है कितनी डिपेथ है, 140 फीट है इधर, और यहाँ पे कुछ हिरन के बच्चे हैं ये रहे। बड़ी ऊसम सी हवा चल रही है, और आप ये देख सकते हो पीछे मेरे पीछे एक बोट है, और भाई ये बिल्कुल बीच से जाती है यहाँ पे पेरियार लेक के, और किनारे किनारे पे आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं जो आपको ब्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। और ये क्लाउड्स देखो भाई, बहुत ही ऑसम वेदर हो रखा है यहाँ पे। तो भाई ये बिल्कुल पास से लेके जाती है आपको, अगर आप लक्की इनफ हुए तो आपको यहाँ पे वाइल्ड एनिमल देखने को मिलेंगे, जैसे हमें मिले कुछ देखने के लिए। यहाँ पे हर बोट पे कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको खड़े होने की अनुमति नहीं दी गई है, जो सिर्फ ड्यूटी ऑफिसर है वो सिर्फ खड़े हो सकते हैं डेक पे, इसके अलावा किसी को खड़ा होने की अनुमति नहीं है। इतना अच्छा लगता है ऐसा नज़ारा, वेदर नीचे पानी बोट के द्वारा। बड़ी अच्छी हवा लगती है यहाँ पे, आप देख सकते हो मेरे बाल देखते हुए। ये यहाँ पे आने के बाद ये लास्ट पॉइंट, अब हमारा यू टर्न हो गया है। अब यू टर्न होने के बाद अब वापस जा रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम हो गया, अब 12 बज गए हैं।
भाई अभी हम पहुंच गए हैं बस कुछ सेकंड्स में, यहाँ पे बोट पार्क होगी, फिर यहाँ से उतरना है। इस बोट के आने के बाद भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। भाई अभी हम टीआर पे पहुंच गए हैं और जो बोट का एग्जैक्ट टाइमिंग है वो हम चले थे 11:20 पे और हम पहुंच गए यहाँ पे 12:30 पे। अराउंड 1 hour 10 minutes का बोट टाइमिंग रहा है, लेकिन जो मोस्टली बोला जाता है यहाँ पे 1 hour 30 minutes का बोट टाइमिंग, और चार्ज तो आपको बता ही चुके 255 rupees। अभी चलते हैं, देखते हैं कुछ खाने का मिलता है या नहीं। मैप है जो आप देख सकते हो, ये इधर दिखाया गया है वाइट येलो रेड कलर, जिस जिससे क्या येलो थिकेस्ट है, मिड एवरग्रीन है, सवाना सेकेंडरी MDF है, तिंकेकुड़ी, और इधर आप देख सकते हो पोम्बा, सुंदरामाला। ये पूरा मैप है भाई यहाँ पे प्री और टाइगर रिजर्व का। अभी हम नीचे आ गए घूम के, जो पीछे बस देख रहे हो इसमें, और अभी धूप बहुत तेज है यहाँ पे,